मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। आज मैं होमो इरेक्टस के सिनेंथ्रोपस पेकिनेंस यानी चीनी मानव के बारे में आपको बता रही हूँ। इनकी खोज किसने की, इसके क्या क्या जीवाश्मीय अवशेष मिले थे और इनकी शारीरिक विशेषता क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 1911 में पेकिंग मेडिकल कॉलेज के कैनेडियन प्रोफेसर डेविडसन ब्लैक ने चीन के प्रसिद्ध नगर पेकिंग, जो कि आज बीजिंग के नाम से जाना जाता है, में एक व्यक्ति को अस्थियां बेचते हुए देखा, जिसे लोग ताबीज तथा जड़ी बूटियों तथा जादू टोने के लिए खरीद रहे थे। आदिकाल से ही चीन में यह प्रथा रही है कि लोग रोगों को ठीक करने के लिए अस्थियों का उपयोग करते रहे हैं। प्रोफेसर ब्लैक उन अस्थियों की ओर आकर्षित हुए क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि ये अस्थियाँ लाखों वर्ष प्राचीन हैं। अस्थि बेचने वाले व्यक्ति से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें पेकिंग के दक्षिण पश्चिम से 40 किलोमीटर दूर स्थित चाइकोतिन टियन पहाड़ी गुफाओं से यह लाया गया है। इस जानकारी से वे उत्साहित हुए और ब्रिटिश सरकार तथा चीनी सरकार की मदद से उन्होंने उन गुफाओं का वैज्ञानिक विधि द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और सन 1921 में डॉक्टर एंडरसन तथा जेडनस स्काइनी को वहाँ से 2 मोलर दांत प्राप्त हुए, जो कि पूरी तरह से आधुनिक मानव के समान थे। इसके पश्चात 1927 में उसी स्थान से 1 मोलर दांत तथा डॉक्टर बोहलिन को प्राप्त हुए। उन प्राप्त दांतों का अध्ययन प्रोफेसर ब्लैक के द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया कि वे दांत बानरों के नहीं हैं, वरन यह आधुनिक मानव की प्रारंभिक अवस्था के किसी मानव के हैं। केवल 3 मोलर दांतों के आधार पर इस प्रकार के विचार प्रस्तुत करना एक साहसिक कार्य था। उन्होंने इस मानव का नाम सिनेंथ्रोपस पेकिनेंस रखा, अर्थात पेकिंग का चीनी मानव। इस कारण इस मानव को चीनी मानव या पेकिंग मानव भी कहा जाता है। सन 1929 में वैज्ञानिक डॉक्टर पेई को चीनी मानव के कपाल का जीवाश्म प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उन्होंने 1929 में से 1937 के बीच इस मानव के एक दर्जन से भी अधिक कपाल तथा लगभग 20 दांतों की खोज की। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सभी प्राप्त अवशेषों का विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं हो पाया। इस प्रकार का विश्वास है कि इस मानव के सभी अवशेष समुद्री मार्ग से चीन देश से बाहर ले जाते समय समुद्र में नष्ट हो गया। अवशेषों को बाहर ले जाते समय उनके चित्र तथा ढांचे तैयार कर लिए गए थे। उन्हीं के आधार पर प्रोफेसर ब्लैक तथा वाइडन खी रिख ने अध्ययन करके एक लंबा प्रतिवेदन तैयार किया। चीन से इस मानव के इतने अधिक जीवाश्म मिले हैं जो एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। लगभग 40 मानवों के शरीर के अलग अलग भागों के जीवाश्म प्राप्त हुए, जिसमें 14 कपाल के अवशेष थे, जिसमें 9 कपाल पूर्णतः सुरक्षित थे, 1 दर्जन से अधिक नीचे के जबड़े थे और 50 से अधिक दांत थे तथा 1 क्लेविकल बोन था। 2 अस्थियों के टुकड़े थे, 2 लंबी अस्थियों के टुकड़े और 4 हथेली की अस्थियां थी। इन 40 मानव अवशेषों में से 15 अवशेष 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के थे। इन मानव अवशेषों से प्राप्त कुछ जंगली प्राणियों के अस्थियों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए, जिसमें जलीय भैंसे, बीबर, राइनोसियस, भालू तथा चूहों की अस्थियों के जीवाश्म मुख्य हैं। जंगली प्राणियों के अस्थियों के अवशेषों की प्राप्ति से यह बात स्पष्ट है कि यह मानव शिकारी था। मानव के प्राप्ति स्थलों में क्वार्ट्ज पत्थर पर बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए। ये उपकरण भद्दे अवश्य थे, परंतु इन्हें उपकरणों की मदद से यह मानव शिकार करना करता होगा। प्राप्ति स्थलों से कोयले तथा राख के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह मानव अग्नि से पूर्णतः परिचित था और भोजन को पकाकर खाता था। अब इसे कालक्रम के निर्धारण में इसकी आयु लोअर प्लेस्टोसीन से लेकर मध्य प्लेस्टोसीन आकी गई है। सिनेंथ्रोपस के जीवाश्मीय अवशेषों के रूप में अब तक जो अस्थियां मिली हैं उसके आधार पर उनकी शारीरिक विशेषता के बारे में हम इस तरह से विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनके कपाल
जो कपाल के बारे में बात करते हैं, कपाल उनके छोटे थे अर्थात डेल्को से इस प्रकार कपाल उनके छोटे थे परंतु उनका क्रेनियल इंडेक्स जो था वो 70 था। कपाल की बनावट इसके कपालीय गुण को दर्शाती थी। क्रेनियल रीजन के सूचर प्रारंभिक अवस्था अवस्था से ही जुड़े हुए थे। चीनी मानव की कपाल समेत जावा मानव के समान ही थी। कपाल की हड्डियां मोटी थी, ठीक थी। मस्तिष्क क्षमता 1070 cc और औसतन 800 से 1300 cc था। मस्तिष्क कोष के छत की स्थिति अपेक्षाकृत ऊंची, सेजाइटल क्रस्ट उपस्थित पाया गया तथा पेराइटल अस्थियां सामान्यतः चपटी पाई गई। ऑक्सीपिटल रीजन ढलवाकार तथा ऑक्सीपिटल टॉरस पूर्ण विकसित पाया गया। चेहरा अपेक्षाकृत छोटा चौड़ा और बाहर निकले हुए। नाक तथा हड्डी नाक की हड्डी आधुनिक मानव से चौड़ी। नेजल स्पाइन का अभाव था। गाल की हड्डियां पूर्ण विकसित थी। तालू संकीर्ण तथा छोटे थे, थोड़े से रुखड़े थे। नेत्रकोटर बड़े एवं अधिनेत्रकोटर उन्नत अवस्था के थे। पुरुषों का मैंडिबल बड़ा तथा भारी भारी था, जबकि महिलाओं का मैंडिबल आधुनिक मंगोल प्रजाति के स्त्रियों से मिलती जुलती थी। इनके दांत लंबे एवं बड़े आकार के थे, जिनकी जड़ें लंबी तथा उन पर एनामेल की मोटी परत पाई गई। पुरुषों के दांत महिलाओं के दांत से बड़े एवं दंताकस अनुपस्थित पाए गए थे। फीमर की हड्डी छोटी एवं आंशिक रूप से बुढ़ी हुई थी। उपरोक्त शारीरिक विशेषताओं के आधार पर डॉक्टर डेविडसन ब्लैक ने इसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस के उन्नत शारीरिक अवस्था वाला प्राणी माना एवं आधुनिक मानव की जीव सीधे वंशक्रम की का प्रतिनिधि माना। थैंक यू।